क्लियर क्रिस्प एंड प्रोफेशनल वॉइस। देखो क्लियर क्रिस्प एंड प्रोफेशनल वॉइस के लिए एक अच्छा माइक की जरूरत होती है, एक अच्छा स्टूडियो की जरूरत होती है जहाँ पे बिल्कुल भी एको ना हो, एक अच्छा प्रोफेशनल माइक हो, एक अच्छा डेस्कटॉप हो जहाँ पे एडिट शूट एंड रिकॉर्ड कर सके, तभी आपकी प्रोफेशनल वॉइस आएगी। बट ये हमारे पास नहीं है, ना ही हमारे सब्सक्राइबर के पास। कि हम भी गरीब, हमारे सब्सक्राइबर भी गरीब, तो फिर कैसे करें? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। देखो एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए एक कैमरा की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मोबाइल की जरूरत पड़ती है, और उससे भी ज्यादा अच्छा माइक की जरूरत पड़ती है। देखिए आप वीडियो में आपका फुटेज उतना अच्छा क्लियर हो या ना हो, बट लोग साउंड अच्छा सुनना चाहते हैं। अगर आपका साउंड ही अच्छा नहीं होगा ना, लोग वीडियो देखना नहीं चाहेंगे। जैसे ये वीडियो देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अच्छी क्वालिटी लग रही होगी, बट अगर मैं साउंड इसको ऐसा कर देता हूं, आपको ये वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। इसलिए वीडियो से ज्यादा वीडियो में साउंड जो आ रहा है वो ज्यादा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लोग बहुत महंगे महंगे माइक देते हैं, बट सबके पास उतना ज्यादा बजट नहीं होता है। एंड सब लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है, फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर देखो कुछ हो या ना हो, एक अच्छा माइक अगर ले लेते हो तो आपका वीडियो प्रोफेशनल बन जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ये वाली माइक ले लेते। फिर भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि उनकी वॉइस क्रिस्प एंड क्लियर नहीं होती, क्यों वो मैं आगे बताता हूं। देखो बहुत सारे चैनल ना बिना चेहरे दिखाए बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, जस्ट बिकॉज उनका वॉइस अच्छा है, उनका स्टोरी टेलिंग अच्छा है। वॉइस ही क्लियर नहीं होगा एंड ऊपर से वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे तो वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे, वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। बहुत सारे मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जिसपे वॉइस के बेसिस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन कर लिए। बहुत सारे मैंने रील्स देखे हैं जहाँ पे वॉइस ओवर इतना क्रिस्प एंड क्लियर होता है, इतना अच्छा रहता है, देखने में वीडियो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियो में वॉइस ओवर का ज्यादा यूज होता है। हम लोग क्लियर एंड क्रिस्प कर सकते हैं, बट इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे AI टूल है, उसको यूज करना आपको आना चाहिए। अब अच्छी वॉइस के लिए तीन चीजों का जरूरत होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा रूम, रूम में सामान से भर दो चीजों से, ताकि आपके अपने रूम में ना अगर रिकॉर्ड करो तो एको ना आए। अगर एको आएगा तो आपकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं लगेगी, वो गूंजेगा साउंड, उतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। इसलिए आप अपने रूम में सामानों से भर दो। बहुत सारे लोग एकॉस्टिक लगा देते हैं जिसके कारण साउंड बहुत ज्यादा क्रिस्प होता है एंड बहुत ही मतलब एको नहीं आता है। आपने बहुत सारे सिंगर के स्टूडियो में देखा होगा कि एकॉस्टिक लगा होता है, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके साउंड क्लियर आए, उनका साउंड में एको नहीं आए। एको आएगा तो वो गाना अच्छे से नहीं आ पाएगा, मतलब उनकी साउंड अच्छी क्लियर नहीं आ पाएगी, इसलिए एकॉस्टिक लगाते हैं। एकॉस्टिक नहीं लगाने का पैसा है ना, तो भाई रूमों को सामान से भर दो ताकि आपके रूम में एको नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़ है, आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करोगे? देखो बहुत सारे लोग बहुत महंगे माइक यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बेस्ट माइक का बताता हूँ आइडिया। ये वाला माइक ले सकते हो, बोया का, जो कि बहुत अभी 700-750 का आता है, बहुत पहले ये 1500-1600 का आता था। तो ये वाला माइक आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है, आप फोन यूज़ कर सकते हो मेरी तरह, बट कोई भी फोन हो, आपको फोन को अपने माउथ के जितने क्लोज हो उतने रखो ताकि आपका साउंड क्लियर आए। बहुत सारे लोगों के पास ये वाला माइक होते हुए भी बहुत अच्छा क्लियर साउंड नहीं आता है, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है, उनका साउंड अच्छा नहीं आता। क्या करते हैं वो कॉलर, ये इसको कॉलर माइक बोला जाता है, लेकिन लोग इसको कॉलर में यूज करते हैं, इस कारण से उतना क्लियर साउंड नहीं आता। तो अगर आपको अच्छा वॉइस ओवर करना है, उसी माइक को आप अपने माउथ के क्लोज रखना, जिससे आपका साउंड क्लियर आएगा, और इतना क्लियर आता है कि अगर उसको एडिट नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। उसमें आपका बहुत सारा अलग तरीके का साउंड आ जाएगा, तो उसको ऐसा भी मत करना कि बहुत ज्यादा क्लोज कर लेना, तो डिस्टेंस बना के रखना एंड धीरे से भी बोलोगे तो बहुत अच्छा साउंड आएगा। माइक को आप अपने माउथ के क्लोज रख सकते हो, एंड अगर माइक नहीं है तो आप हेडफोन को कर सकते हो। देखो हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद बात आती है कि इसको क्रिस्प कैसे बनाए, क्लियर कैसे बनाए एंड प्रोफेशनल कैसे। अब देखो मैं अपने वॉइस को दो तरीके से एडिट करता हूं। एक AI का जमाना है, देखो AI के जमाने में बस एक क्लिक करोगे एंड आपका साउंड एडिट हो जाएगा, आपकी वीडियो एडिट हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को उस AI के बारे में पता नहीं। दूसरा चीज है, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप प्रोफेशनल तरीके से उसको एडिट कर सकते हो। देखो लैपटॉप अगर है तो आप ऑडासिटी वगैरह यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, बट फोन है तो मैं उस ऐप के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से उस ऐप में आप एडिट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग AI से एडिट करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग AI से एडिट करेंगे। AI का नाम है Adobe Podcast, जिसको आप सर्च करोगे गूगल या कहीं पे भी। सर्च करने के बाद जो वेबसाइट आएगा वहां उसको ओपन करोगे एंड यहां एक ट्राइट का ऑप्शन आएगा। ट्राइट पे टैप करने के बाद यहां पे आप लोगों को फेसबुक से लॉग इन करना होगा, एंड कैसे भी लॉग इन कर सकते हो। मैंने फेसबुक से लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद यहां पे आप लगा पूरा अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को साउंड एक अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा एंड इसके नॉइज को ये बिल्कुल बंद कर देगा।
थोड़ा सा भी हवा का साउंड या विंडो का कहीं भी कोई भी साउंड होगा उसको बंद करेगा एंड आपका साउंड को इन्हेंस कर देगा। अब मुझे पता है कि आप लोग अच्छे अच्छे मिनी ब्लॉग बनाओगे, अच्छा अच्छा स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाओगे, डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, क्योंकि आपको समझ आ गया कि आप अपनी वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो एंड ये वीडियो कैसा लगा फटाफट लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ। एंड देखो इस चैनल पे बहुत सारे एडिटिंग से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह आती रहती है, तो ये सब सीखना है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये बॉम्ब कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।